हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ होंडा एलिवेट न्यू लॉन्च व्हीकल। ये आप जैसे कि देख पा रहे हैं, पीछे से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही गाड़ी आपको। यहाँ आपको आपको एलिवेट की बैजिंग मिल जाती है और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी शानदार गाड़ी होंडा ने बनाई हुई है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये रियर वाइपर मिल रहा है और ये डिफॉगर मिल जाता है यहाँ पे, साथ ही में ये बॉसर मिल जाता है और ये एंटीना यहाँ आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है गाड़ी में। पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पीछे मिल जाते हैं। ये पेट्रोल में ही आती है, IBTEC जो इस पेट्रोल इंजन का नाम है। ये लाइटिंग का ये देख सकते हैं आप, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा इसमें दिखता है आपको। LED लाइट मिल जाती है आपको, फुल LED पैकेज आपको यहाँ मिलता है। काफ़ी शानदार गाड़ी है, लेंथ भी काफ़ी अच्छी गाड़ी की आप जैसे कि डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। और आप भी अपने नज़दीकी होंडा डीलरशिप पे इसका टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं और गाड़ी की बुकिंग भी चालू हो चुकी है, तो आप बुक भी कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स आप सेफ्टी फीचर्स देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे। काफ़ी अच्छी गाड़ी होंडा ने बनाई हुई है। इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। ये बड़ी सी ग्रिल यहाँ मिल जाती है, बोल्ड ग्रिल। ये LED लाइट यहाँ मिल जाती है, LED लाइट आपको मिलेंगी यहाँ पर। DRL आपको LED मिलती हैं और फॉग लैंप भी साथ में LED मिल जाता है। ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छा लगता है और ये रात में काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं। वाइट कलर की लाइट इसमें आपको मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा उजीला आपको रोड पर देती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये डिस्प्ले, ये आप जो अलॉय का साइज है यहाँ पे आपको 17 इंची का मिल जाता है। ये डायमंड कट अलॉय व्हील आपको मिलता है यहाँ पे डिस्क ब्रेक के साथ में। और ये आप यहाँ पे क्रोम देख रहे हैं, यहाँ पे आप हैंडल पे क्रोम रिक्वेस्ट सेंसर का बटन आपको यहाँ मिल जाता है, विंडो क्रोम आपको साथ ही मिल जाती है। अंदर से भी आप देख पा रहे हैं ये सारा सेटअप, चारों विंडो पावर का। ये ट्विटर आपको यहाँ मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है अंदर से, कुछ ऐसे ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ आपको फ्यूल ओपनर मिल जाता है, हुड ओपनर मिल जाता है। और मैं आपको इसमें सीटें भी बता देता हूँ, जो इसकी सीट है वो आपको मैनुअल एडजस्ट वाले यहाँ मिलेगी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, ये सेटअप आपको मैनुअल एडजस्ट मिलेगा यहाँ पे। ये अंदर से इंटीरियर इस गाड़ी का, काफ़ी शानदार गाड़ी होंडा ने बनाई हुई है। प्रीमियम, आप बैठने के बाद आपको ये गाड़ी प्रीमियम फील दिखाई देती है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है। ये वुडन फिनिश के साथ में ये गाड़ी आपको यहाँ पे इंटीरियर मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ये लाइटें भी LED मिल रही हैं। ये बटन है सनरूफ खोलने के लिए। यहाँ पे ये वैनिटी मिरर, ये ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर होंडा एलिवेट में मिल रहा है। और यहाँ पे को ड्राइवर में आपको ये लाइट मिल जाती है वैनिटी मिरर में। ये सनरूफ आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ। यहाँ पे भी होंडा को पैरानोमिक सनरूफ देना था, जो कंपटीशन ब्रांड में भी आ रहा है अभी। और काफ़ी अच्छा ये सेटअप है AC का। यहाँ पे ये कुछ बटन है AC के, यहाँ कूलिंग वगैरह के लिए ऑटो AC इसमें मिल जाएगा आपको। और ये जो आप बटन देख रहे हैं, ये ब्राइटनेस के लिए है, MID डिस्प्ले की ब्राइटनेस। इसका MID डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा, 7 इंच का MID डिस्प्ले इसमें मिल जाएगा आपको। ये जैसे कि सामने देख पा रहे हैं, अभी ये कुछ बटन है, यहाँ से MID को कंट्रोल आप कर सकते हैं स्टेयरिंग पर। यहाँ पे आपको बॉल क्रूज कंट्रोल के बटन दे दिए हैं, लेन के बटन यहाँ मिल जाते हैं। इसमें ADAS फीचर्स भी साथ में आपको मिल जाएगा होंडा एलिवेट में। वॉइस कमांड के फंक्शन है, कूलिंग कॉलिंग के लिए आपको ये वहाँ पर मिल जाते हैं बटन। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, कुछ फंक्शन मैं कर रहा हूँ। और यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ये चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं और ये वायरलेस चार्जिंग को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये इसमें 6 गियर आपको मिल जाते हैं, 6+1 गियर आपको मिलता है यहाँ पर। ये इसकी मैं आपको चाबी भी दिखा देता हूँ, लॉक अनलॉक का बटन या चाबी मिलता है। बूट को अनलॉक करने का बटन यहाँ नहीं मिलेगा आपको इस चाबी में। ये भी कह सकते हैं आप थोड़ा कमी है, बस लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ बटन है
डिस्प्ले पे आप जैसे देख पा रहे हैं होम पेज के बटन है या किसी भी चीज़ का, इसको आप जैसे फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। ये पीछे गेट से अपन देखें, इस गाड़ी में मेरे को स्पेस सबसे अच्छा लगा अभी तक जिस कंपटीशन ब्रांड के हिसाब से देखा जाए तो। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, मैं 6 फीट का हूँ और मुझे इस गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा लगा। पीछे आपको चार्जिंग के लिए मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा पीछे आपको, और पीछे वाली सीट पर आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये कप होल्डर, दो कप इसमें, मतलब आपके गिलास वगैरह भी इसमें दो आ जाएंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। ब्राउन इंटीरियर काफ़ी अच्छा लग रहा है इस गाड़ी में, ब्राउन ब्लैक का कॉम्बिनेशन। ये हेडरेस्ट भी इसमें स्टाइलिश दिए हुए हैं। यहाँ आपको ये एलईडी लाइट मिल जाती है पीछे केबिन में, ये कुछ पकड़ने के लिए हैंडल आपको यहाँ मिल जाएगा सपोर्ट के लिए, ये दोनों साइड आपको मिल जाता है हैंडल। अब मैं आपको एक बार इसका इस वॉल्यूम भी सुनवाऊंगा लास्ट में वीडियो के, काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम मुझे इस गाड़ी का लगा, तो मैं आपको वो भी चालू करके दिखवाऊंगा। 4 स्पीकर 4 ट्विटर आपको इसमें मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी इसमें मुझे लगा। और अभी मैं ब्लूटूथ से इसको सेटअप करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। इस गाड़ी के अंदर सर आपको 2 कैमरे मिल जाते हैं, जो आपको को ड्राइवर उसमें मिलेगा और एक बैक करने के लिए कैमरा मिल जाता है। तो मैं इसमें गाड़ी में कैमरे की बात कर रहा था, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 कैमरे आपको मिल जाते हैं, एक आपको इस ORBM पे मिल जाएगा को ड्राइवर में, और एक आपको बैक में कैमरा मिल जाता है। इसमें 360 कैमरे का ऑप्शन होंडा ने नहीं दिया है इस गाड़ी में। और अब मैं आपको इस वीडियो के एंड में इसका साउंड सिस्टम भी सुनाऊँगा, काफ़ी अच्छा साउंड आपको इस गाड़ी में मिल जाता है अंदर। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं 10.25 इंच का डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाता है, ये मेन डिस्प्ले जो है, और ये काफ़ी अच्छे इंटीरियर आप उसको इस गाड़ी मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ये आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को आप का लोगों का बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, तो थैंक यू इसके लिए। अब मैं आपको इसका साउंड सिस्टम सुनवाता हूँ।